गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास. नाउ वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्पिंग स्कूल अथॉरिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको पहले ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, क्या चीज होती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज, क्या क्या होती है और उसको कैसे आप हेल्प कर सकते हैं. अब इसका एक मेन टॉपिक आता है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको इसका, या सीधे अल्फाजों में ये कहें कि आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, हम आपको इसमें क्या फायदा है. तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्कूल अथॉरिटीज की हेल्प करते हैं वर्क एजुकेशन में, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अगर लाया गया एज ए प्रोजेक्ट, तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा. तो मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. तो नंबर वन इज, मैं आप इसको नोट करते चलेंगे और कोई क्वायरीज हो तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला ऑब्जेक्टिव क्या है. डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लीडर ऑफ लर्निंग. डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लर्निंग. आप अगर किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको मिलती हैं तो आपको सीखने को मिलता है, क्वालिटीज ऑफ लर्निंग आपके अंदर जनरेट होती है, आती है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हेल्प टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट. अब आपका आता है हेल्प टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सबसे दूसरा पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आप उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आप उनके काम को ऑब्जर्व करते हैं, उससे ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है. आप उनसे किस अच्छी टेक्निक से, किस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से आप खुद काम करते हैं और किस तरीके से आप काम कराते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट बन जाता है. थर्ड पार्ट इज हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं जब आप किसी अपने बड़े स्कूल अथॉरिटी की बात को फॉलो करते हैं और आपको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपने जूनियर्स को मैनेज करने की, तो आपके अंदर भी उनको देखकर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं. और जब ये क्वालिटीज डेवलप होती हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट इज लर्न हाउ टू कंडक्ट द इवेंट. फोर्थ पॉइंट इज लर्न हाउ टू कंडक्ट द इवेंट. आप किसी भी इवेंट को कंडक्ट कराते हैं, कोई भी इवेंट किसी भी तरीके का हो, इन फ्यूचर आप जॉब में आते हैं या भी कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कोई भी इवेंट कंडक्ट कराते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इस इवेंट में हेल्प करने के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. फिफ्थ इज लर्न हाउ टू टेक द एंड गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लर्न हाउ टू टेक एंड गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आप सीखते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं या कितने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करा सकते हैं दूसरे को, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं. तो इसके मैंने पांच पॉइंट्स हो गए. लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप कोई काम करते हैं तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छे से बेहतर कर पाते हैं और बेहतर कर सकते हैं. अगर आप इन फ्यूचर आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले तो आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. ये जो थे मैंने आपको छह पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव मैंने बताए. नंबर वन इज डेवलप द क्वालिटीज ऑफ लर्निंग. नंबर टू हेल्प टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. नंबर थ्री हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. नंबर फोर लर्न हाउ टू कंडक्ट अ इवेंट. नंबर फाइव लर्न हाउ टू टेक एंड गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर सिक्स एंड लास्ट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव यानी उसके बेनिफिट मैंने आपको एक तरीके से बताए. तो ये आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया. ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे और उसी को आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें इसमें क्या लिखना है. और आपको मैंने गाइडलाइंस दे दी हैं, आपको गाइड कर दिया है कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है. मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि पंच शीट पर आपको लिखना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फर्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है. इसी तरीके से आपके मुश्किल से चार या पांच पेजेस लगेंगे, उसको आप लिख लोगे, अच्छे से तैयार करोगे और ये आपका एज अ रिकॉर्ड जमा होता है वर्क एजुकेशन में. और उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जब आप ये तैयार कर लोगे. तो इस तरीके से आपको
ये आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट करना है और इस तरीके से आप सीख भी सकते हैं कि कैसे किसी इवेंट को कंडक्ट कराया जा सकता है, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उसके, और क्या क्या चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी है। तो फिलहाल आज की क्लास और आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको देखिएगा, दोबारा समझिएगा, फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेजेस और व्हाट्सएप के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे सेफ इन योर होम। बाय।